भारत में या किसी भी कंट्री में भी एक्सप्रेसवे की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि जब बहुत ही हैवी ट्रैफिक एक साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करना हो, जल्दी से मूव करना हो, तो ऐसे समय ऐसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाता है। जब भी कोई कंट्री इस स्टेज में पहुंच जाए कि वो लगभग लगभग विकसित होने ही वाला है, उसके जस्ट पहले का ये फेज है 20-30-40 साल पहले का, तो एक्सप्रेसवेज की ज़रूरत महसूस होने लगती है। जब आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारे लोग एक साथ कम्यूट करने लगे, और आपको महसूस हो कि अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो समय है और जो फ्रस्ट्रेशन है या जो सुविधा है, अगर उसको बेहतर किया जा सके तो उससे क्या होगा कि काफ़ी समय बचाया जाएगा, जो कि हमारे समय बचा हुआ समय देश की तरक्की में लगाया जा सकता है। तो एक्सप्रेसवे की परिकल्पना में क्या है कि एक ऐसा रोड जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रोड बनाया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एक रोड बना दिया, अब इस रोड को दोनों तरफ हम मैंने बाउंड्री वाल बना दिया या फेंस बना दिया ताकि कोई भी कहीं से नहीं इसमें एंट्री कर सके, और जहां से एंट्री होता है वहां पे मैंने कंट्रोल कर दिया, एक्सेस कंट्रोल टोल बना दिए, गेट्स लगा दिए, जहां से आउट होगा वहां भी गेट्स लगा दिए। अब कोई भी आदमी को पॉइंट ए में जाना है तो यहां से इंटर करेगा, फिर यहां से एग्जिट करेगा, इंटर करेगा और एग्जिट करेगा, बीच में कोई इंटर नहीं कर सकता या बीच में कोई एग्जिट नहीं कर सकता, ये दो पॉइंट के बीच में ही जाने के लिए बनाया गया है। जहां जहां सोच समझ के जहां जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे वहीं से लोग उसमें इंटर करेंगे, वहीं से लोग उसमें आउट करेंगे। जैसे नेशनल हाईवे में क्या होता है, एनएच में रोड जा रही है, उसके आजू बाजू के गांव है या 75 तरह के रोड है, उसमें मिलते रहते हैं, उससे जुड़ते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि आप एक निश्चित स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इस तरह का एक्सप्रेसवे बनाया जाए तो इस एक्सप्रेसवे में जो डिजाइन या परमिसेबल स्पीड जो होती है अप टू 120 किलोमीटर पर आवर होती है, और इसमें कहीं कहीं आपको मिनिमम स्पीड भी लिखा होगा कि मिनिमम 80 के एम पर आवर से कम में नहीं चलाना है आपको। तो ये है एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट। भारत में करीब करीब 5000 किलोमीटर अब तक एक्सप्रेसवे बनाया जा चुका है, 5000 किलोमीटर ऑलरेडी रनिंग है, और ये 2024 तक का मैं डाटा बता रहा हूँ, लेकिन 2024 तक ही ये टारगेट था कि करीब करीब 18000 किलोमीटर और इसमें ऐड करना है, यानी 23000 किलोमीटर हो जाना चाहिए था। अभी आज के डेट में क्या स्टेटस है मुझे अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन 5000 किलोमीटर अभी रनिंग में है, बाकी बन रहे होंगे, हो सकता है अभी कंप्लीट ना हो पाया हो, टारगेट था, लेकिन जब भी होगा तो ये टारगेट था 2024 तक अचीव करने का। भारत में एक्सप्रेसवे को डेवलप करने के लिए नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NEAI का गठन किया गया है, जो कि एक्सप्रेसवे के रिक्वायरमेंट को असेस करती है, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड का व्यवस्था करती है और उसको कंस्ट्रक्शन को मैनेज करती है, और एक्सप्रेसवे के लिए यही संस्था जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप एक्सप्रेसवे को तो समझ गए कि एक ऐसा रास्ता जो कि रेलवे की तरह ही है, रेलवे ट्रैक में भी क्या है, एक निश्चित स्टेशन पे ही ट्रेन रुकेगी, बीच में कोई चढ़ नहीं सकता है, और कोई अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो कहीं से स्टार्ट हुई तो कहीं बहुत लंबी दूरी के बाद वो रुकती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने हाईवे में यानी रोड मार्ग से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके लिए हमने बनाया, इसने डेवलप किया गया और उसको नाम दिया गया एक्सप्रेसवे में। भारत में जो पहला एक्सप्रेसवे जो कि 8 लेन का था 2001 में ही बना लिया गया था, 8 लेन का एक्सप्रेसवे जो था DND, दिल्ली नोएडा, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, इसका नाम है, इसको शॉर्ट में कहते हैं DND फ्लाईवे, और ये बन गया था जनवरी 2001 में, ये 8 लेन का जनवरी 2001 में, भला कि इसका लेंथ काफी कम है, 9.4 किलोमीटर के आसपास है,
या 9.2, मैंने 9 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। लेकिन इसमें आजकल तो मैं अक्सर ही DND के थ्रू जाता आता रहता हूँ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है। हाँ, हालांकि आज के डेट में इसमें टोल जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2001 में ही बना था, तो टोल अब 23-24 साल हो गए तो टोल अब नहीं लगता, बट ये रोड काफ़ी बिजी रहता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है आज के डेट में। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपका काफ़ी समय बचता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हमारा इम्पोर्टेंट जो एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी रनिंग है वो है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये भी 2002 में बन गया था और ये भी, ये अभी टोल रोड है, अभी भी शायद टोल है, इसमें टोल लगता है और इसकी जो लेंथ है करीब करीब 95 किलोमीटर है। तो ये भी शुरू शुरू में जो बने थे, ये 6 लेन है, ये 6 लेन है, ये जो था 8 लेन था और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो रनिंग है ये 6 लेन है। उसके बाद अगला एक्सप्रेस वे है यमुना एक्सप्रेस वे, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। उसके आसपास आज के डेट में लैंड डेवलपमेंट यानी सोसाइटीज़ बस रही है, लैंड बेचे जा रहे हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, कई प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा, तो वो अभी आने वाले डेज में वो एरिया जो है बसाने के लिए उधर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले 10-15 सालों में। तो यमुना एक्सप्रेस जो है ये काफ़ी लंबा है, 165 किलोमीटर का है ये, और ये बना था करीब करीब 2012 और ये भी है 6 लेन। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे है। उसके बाद एक जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये बना है 2016 में, अखिलेश यादव ने इसका ये किया था। उसके बाद है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, ये लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे, एक्सपेक्टेड है कि ये लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो उसके बाद है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये भी लगभग 85-82% के आसपास बना लिया गया है, इस पर काम चल रहा है। तो समझिए कि ऐसा एक्सप्रेसवे बनेगा कि आप दिल्ली से शुरू करेंगे और सीधे मुंबई पहुंच सकते हैं सड़क मार्ग से। तो कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं एक्सप्रेसवे में भारत में चल रही हैं। उसके बाद जो अगला एक्सप्रेसवे है वो है आपका अमृतसर जामनगर, उसके बाद है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, ये भी एक एक्सप्रेसवे है। उसके बाद है गंगा एक्सप्रेसवे, इसके बारे में भी नाम सुना होगा, ये भी अभी अप्रूव्ड हुआ है। तो बहुत सारी महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे की परियोजनाएं हैं भारत सरकार के पास, जो कि या तो अभी बनने वाली हैं या लगभग बन चुकी है, या आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये सारी एक्सप्रेसवे रनिंग हो चुकी हैं। अगर एक्सप्रेसवे के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसमें और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। धन्यवाद।